हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे जो कल मैच होने वाला है, इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच के बारे में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी टीम के बारे में कि आप टीम का सिलेक्शन कैसे करेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं करंट और फैक्चुअल आपको डिस्क्रिप्शन दे सकूँ। मैं जो भी आपको फैक्ट दूंगा वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होंगे। पहले हम बात करें बैट्समैन की, तो विकेट कीपर में संजू सैमसन, जिन्होंने अभी तक दो मैच खेले हैं, 73 बनाए हैं, जो कंटिन्यू चल रहे हैं और कंटिन्यू आप इनको कर सकते हैं। एल टक्कर है, उन्होंने दो मैच खेले हैं, उनका 2-10 का एवरेज, 1 में 2 बनाए 1 में 10 बनाए, उनके कम चांसेज हैं। और जे शर्मा DNP रहे हैं, 3 विकेट कीपर हैं जिसमें संजू सैमसन ही चल रहे हैं, तो आप इनको कंटिन्यू करें। बैटर्स की बात करें तो पी स्टर्लिंग जो हैं, उन्होंने 1 मैच में 2 रन बनाए, दूसरे में 24 बनाए, तो इनके कम चांसेस हैं। अगर इनकी बैटिंग सेकंड आती है, अगर आयरलैंड सेकंड खेलता है तो आप इनको ले सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट आयरलैंड खेलेगा तो आप इनको छोड़ने में बेहतर रहेगा। इसी तरह टी वर्मा LSB है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों मैच में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं और इनके दोनों मैचों में 13-10 का रिकॉर्ड रहा है। तो इनको भी अगर आप सेकंड बैटिंग आती है तो आप ले सकते हैं, फर्स्ट बैटिंग में इनको लेना मुश्किल रहेगा, क्योंकि फर्स्ट जो बैटिंग करेगा तो फास्ट बॉलर को अच्छा मौका रहेगा। शुरुआती 8-10 ओवर में फास्ट बॉलर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, तो इसलिए विकेट जाने के ज़्यादा चांस रहेंगे। हैरी टक्कर है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, 20-10 का इनका रिकॉर्ड है दोनों मैचेस में, 1 में 20 1 में 10, तो आप इनको ले सकते हैं, लेकिन सेकंड बैटिंग में, फर्स्ट बैटिंग में इनमें से अभी है नहीं लेने लायक, क्योंकि अगर लेंगे तो वो रिस्क होगा। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, 1 में 88 बनाए, 1 में 34 बनाए, 34 बनाए, ये कंटिन्यूली इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, तो अगर इंडिया की फर्स्ट बैटिंग है तो आप इनको आसानी से ले सकते हैं और इनकी परफॉर्मेंस उम्मीद करता हूँ बेहतर रहेगी। ठीक इसी तरह से एंड्री बल्बी रैनी है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, 1 में 99 बनाए थे, 1 में 9 बनाए थे, तो ये ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप इनको ले सकते हैं। राइट हैंडेड बैट्समैन है, परफॉर्मेंस इनकी ठीक चल रही है, तो अगर फर्स्ट बैटिंग आयरलैंड की आती है तो भी इनको आप चांस ले सकते हैं इन पे, और सेकंड बैटिंग आती है तो भी चांस ले सकते हैं। ठीक इसी तरह यशस्वी जायसवाल है, तो यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस कंटिन्यू चल रही है, बेस्ट तो नहीं कर सकते लेकिन बैटर कर रहे हैं, 1 में 30 बनाए, 1 में 33 बनाए, ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और ये ऐसे ही कंटिन्यू परफॉर्मेंस करने वाले हैं, इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी, तो आप अगर ये फर्स्ट बैटिंग में आते हैं तो हो सकता है ये 30-35 पे रुक जाएं, लेकिन अगर सेकंड बैटिंग में इनको चांस मिला और टॉप ऑर्डर में आए तो नो डाउट ये अच्छे रन बना सकते हैं। शिवम दुबे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 1 मैच में इन्होंने 40 बनाए, 1 में 3 बनाए, और राइट आर्म मीडियम बॉलर भी हैं, तो आप इन पे इनको ले सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग में भी इनको कुछ ओवर दिए जाएं तो कुछ विकेट ले सकते हैं। साथ में इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो मीडियम है, 1 में 40 बनाए, 1 में 3 बनाए, तो अगर इनको भी अगर सेकंड बैटिंग मिली तो ये ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, फर्स्ट बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आर अधेर जो हैं वो अभी तक डिड नॉट प्ले हैं, DNP हैं, लेकिन वो राइट आर्म मीडियम हैं, तो अगर उनको मौका मिले तो आप उनको अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि वो बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। रिंकू सिंह है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 1 में 60 बनाए, 1 में 4 बनाए, तो रिंकू सिंह भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्मेंस करने के चांस रहते हैं, और रिंकू सिंह बहुत अच्छे बैट्समैन है, तो नो डाउट आप इनको ले सकते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में आप जैसे सी कैंपर है, तो सी कैम्फर में की परफॉर्मेंस लगातार कंटिन्यू चल रही है, 1 मैच में उन्होंने 32 बनाए, 2 में 52 बनाए, है ना, और राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, तो ये अपनी बॉलिंग से भी कमाल कर सकते हैं और बैटिंग से कर ही रहे हैं, तो आप इनको सी कैम्फर को ले सकते हैं, नो डाउट ऑलराउंडर हैं। जॉर्ज ये डॉकरेल हैं, तो जॉर्ज डॉकरेल हैं, ये राइट हैंडेड बैट्समैन है, 1 में 27 बनाए, 2 में 5 बनाए, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ये विकेट भी चटकाएंगे, तो आप जॉर्ज डॉकरेल को भी ले सकते हैं, जबकि उनकी परफॉर्मेंस 1 मैच में ही 27 रन की रही है, दूसरे में नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप इनको चांस दे सकते हैं, आप इन पे चांस ले सकते हैं, लेकिन इनसे बेहतर सी कैम्फर रहेंगे।
वासीकरण सुंदर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेकिन परफॉर्मेंस पोअर चल रही है, चार एक में छः, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। जॉर्ज डेनले है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेग ब्रेक गुगली हैं, तो जो जॉर्ज डेनले हैं ये भी ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। तो जॉर्ज डेनले पे भी आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि लेग ब्रेक गुगली हैं ये, और ये विकेट बंडल्स में ले सकते हैं। अभी तक जबकि डीएनपी है ये, लेकिन अगर इनको मौका दिया गया तो ये विकेट चटका सकते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं ग्रैंड लीग में। शहबाज अहमद है, इनको भी चांस नहीं दिया गया अभी तक, डिड नॉट प्ले हैं, डीएनपी हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, तो ये भी विकेट ले सकते हैं, क्योंकि इस पिच पर अभी तक आपको मैं बता दूं कि लेफ्ट आर्म मीडियम लेफ्ट आर्म फास्टर को विकेट नहीं बिल्कुल कम मिलते हैं इस पिच पर अगर लेफ्ट आर्म को अगर लेफ्ट आर्म बॉलर को विकेट मिलते हैं तो वो स्पिनर को ही मिलते हैं मोस्टली विकेट। अगर आप इस पिच का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मोस्टली जो विकेट मिले हैं लेफ्ट आर्म को वो स्पिनर को ही मिले हैं, स्लो बॉलर को ही मिले हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर को कम विकेट मिलते हैं, कम चांसेस रहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी मैचेज में देखे हैं। इसी तरह से बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह राइट हैंडेड बैट्समैन है और आरएएफ हैं, राइट आर्म फास्टर हैं, आप इनको ले सकते हैं और बराबर इनकी कंटिन्यू परफॉर्मेंस है, कैप्टन है और मस्ट हैव पिक रहने चाहिए। जोशुआ लिटिल है इनको जीरो एक में छः और आगे भी शायद इनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, राइट हैंडेड बैट्समैन है जबकि, लेकिन ये लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को यहाँ विकेट कम मिल रहे हैं और कम चांसेस हैं, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह है, दोनों दो मैच खेले, दोनों में 37-37 पॉइंट्स दिए इन्होंने, लेकिन ये भी लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर को, जैसे कि मैंने कहा, लेफ्ट आर्म बॉलर को यहाँ पे ज़्यादा विकेट के चांस नहीं है। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, पहले के फैक्ट देखते हैं, तो लेफ्ट आर्म चाहे वो फास्ट बॉलर हो या फास्ट मीडियम हो, उनको विकेट ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल कम है, तो हम लेफ्ट आर्म बॉलर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग से तो कुछ खास कुछ होने कमाल की संभावना कम है, लेकिन बॉलिंग से, और बॉलिंग का ट्रैक रिकॉर्ड ये फैक्ट ये बता रहे हैं कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो या मीडियम बॉलर हो, उनको विकेट यहाँ कम मिलते हैं। अर्शदीप सिंह हैं, अर्शदीप सिंह भी लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, LSB हैं, इनकी बात हम कर चुके हैं, सॉरी। क्रेग यंग राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म फास्ट मीडियम है और 38-55 का इनका रिकॉर्ड रहा है, तो क्रेग यंग आप मस्ट हैव पिक रखिए, क्रेग यंग ऐसे ही कंटिन्यू परफॉर्मेंस करेंगे, आप इनको ले सकते हैं। ऐसे ही ये पी कृष्णा है, पी कृष्णा राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, 54-54 इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोनों मैचेज में 54 विकेट लिए हैं, आप इनको भी अच्छे से ले सकते हैं और ये आगे भी ऐसे विकेट चटकाने वाले हैं, आप इनको मस्ट हैव पिक रखिए। मार्क अधेर राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्टर हैं, 58-22 का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 1 में 58, 1 में 22, आप इनको ले सकते हैं, अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं, नो डाउट। ओवेश खान है, अभी तक मौका नहीं मिला है, लेकिन मौका मिलेगा तो विकेट जरूर चटकाएंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन है और साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ही यहां पे अच्छे विकेट ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। रवि विश्नोई है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेग ब्रेक गुगली है, मैंने अभी बताया कि अगर लेफ्ट आर्म बॉलर में कोई चले हैं तो वो स्लो बॉलर चले हैं और रवि विश्नोई लगातार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और एक मैच में उन्होंने 76 हैं और दूसरे में 54 पॉइंट दिए हैं, तो रवि बिश्नोई को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छे बॉलर हैं। मुकेश कुमार हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, अभी तक DNP हैं, लेकिन अगर इनको खिलाया जाए तो आप इन पे चांस ले सकते हैं, ये विकेट जरूर चटकाएंगे। बेन वाइट लेग ब्रेक बॉलर हैं, लेग ब्रेक गुगली बॉलर हैं, 1 में इनके 37 पॉइंट है, 1 में 4 हैं, तो बेन लेग ब्रेक मैंने कहा गुगली है तो जरूर विकेट चटकाएंगे, तो आप बेन वाइट को भी मौका दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो अगर मैं बात करूं कि हमारी टीम में किस किस को हमें लेना चाहिए, तो संजू सैमसन आपके विकेट कीपर हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, उसके बाद आपके एंड्री बलवेनी हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, ठीक है, उसके बाद आप ले सकते हैं शिवम दुबे या रिंकू सिंह में से कोई एक को चुन सकते हैं आप, और ऑलराउंडर में आप सी कैम्फर जो है इनको जरूर ले सकते हैं। इसके बाद जॉर्ज डॉकरेल है, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सी कैम्फर और जॉर्ज डॉकरेल में किसी एक को आपको लेना है। इसी तरह से वाशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंस पुअर चल रही है, आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। गैरेथ डेनली है, इनको अभी तक मौका नहीं मिला है, अगर मौका मिले तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। इसके अलावा शहबाज अहमद, अभी तक मौका नहीं मिला है, अगर मौका मिले तो आप इन पर रिस्क ले सकते हैं।
इसके अलावा जो बॉलर्स में है मैं कहूँगा जसप्रीत बुमराह को आप लीजिए, जोशुआ लिटिल को इग्नोर कीजिए, अर्शदीप सिंह को भी आप छोड़ सकते हैं, ये ज़्यादा पॉइंट नहीं देने वाले, लेकिन ये कोई शक नहीं है डेथ बॉलिंग करेंगे और एक विकेट ले सकते हैं। क्रेग यंग है, शानदार बॉलर है, अच्छी परफॉर्मेंस है, आप इनको ले सकते हैं। पी कृष्णा है, शानदार बॉलर है, परफॉर्मेंस अच्छी है, आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। मार्क अधेर है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप इनको भी ले सकते हैं। ओवेश खान को मौका नहीं मिला, अगर मौका मिले तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। रवि बिश्नोई हैं, लेग ब्रेक गुगली हैं, आप इनको रख सकते हैं और लगातार विकेट चटका रहे हैं। मुकेश कुमार हैं, अगर इनको मौका मिले तो आप इनको रख सकते हैं। बेन वाइट है, लेग ब्रेक गुगली हैं, अगर मौका मिले तो आप इनको टीम में जगह दे सकते हैं। तो इस तरह से बॉलर्स में अभी मैं आपको कहूँगा जसप्रीत बुमराह, क्रेग यंग, उसके अलावा पी कृष्णा और मार्क अधेर को भी आप मौका दे सकते हैं। रवि बिश्नोई, इन चार पांच बॉलर को अपनी टीम में रख सकते हैं। बैट्समैन में आप संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, एंड्री बालबेरेनी और यशस्वी जायसवाल, सियोन दुबे या रिंकू सिंह में कोई एक ले सकते हैं, सी कैम्फर, जॉर्ज डॉक्रेल में एक ले सकते हैं और गैरेथ डेनली अगर मौका मिले इनको ले सकते हैं। और आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जिसकी बैटिंग फर्स्ट आएगी उसके शुरुआती विकेट बहुत जल्दी डाउन होंगे, तो अगर बैटिंग फर्स्ट आयरलैंड की पहले आते हैं तो उसके शुरुआती आप बैट्समैन हैं उनको इग्नोर करना बेहतर रहेगा। अगर जिसकी बैटिंग फर्स्ट आए, चाहे वो इंडिया की बैटिंग फर्स्ट आए या आयरलैंड की आए, तो जिसकी भी बैटिंग फर्स्ट आए आप कोशिश करें कि शुरुआती जो स्टार्टिंग में 10-11 ओवर रहे का जो रहेगा उसमें विकेट ज़्यादा गिरेंगे, 3-4 विकेट गिरने के चांस रहेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी, बॉलर उनकी स्विंग होगी और स्विंग होगी तो उनको मदद मिलेगी। और जो पिच है ये स्टार्टिंग में बॉलर्स को, फास्ट बॉलर को मदद करती है और खासतौर से राइट आर्म फास्ट मीडियम को मदद करती है, इसलिए आप इस पे शुरुआती जो बैट्समैन है उनको इग्नोर करने की कोशिश करें और जो सेकंड बैटिंग होगी उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन चुनें, क्योंकि अभी तक इस जो पिच है इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये कह रहा है कि इसमें जिन्होंने चेज किया है टोटल अभी तक इसमें 11 मैचेस पहले हो चुके थे, दो ये हो चुके हैं ना, तो 11 मैचेस जो स्टार्टिंग थे उसमें जिसने फर्स्ट बैटिंग की थी उसको 6 टाइम वो जीते थे और चेज की उन्होंने 5 बार जीते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम में मुश्किल ये रहती है कि जो शुरुआती बैट्समैन हैं उनके गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, बाद में जो पिच है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर बैट्समैन को भी अच्छी मदद मिलती है, स्पिनर्स को भी और बॉलर्स को भी। ये पिच जो है बैटिंग पिच है लेकिन ये बॉलर्स को भी मदद करेगी और बैट्समैन को भी मदद करेगी। बाउंड्री छोटी हैं तो चौके छक्के ज़्यादा लगने की संभावनाएं रहती हैं, बाउंड्रीज का जो डायमेंशन है वो छोटा है तो चौके छक्के लगने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो इस तरह से आप कल इंडिया वर्सेज आयरलैंड में आप अपनी टीम बना सकते हैं और जीत सकते हैं, ये मेरी आपको एडवाइस है। बाकी आप अपनी तरफ से और बेहतर बना सकते हैं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फैंटेसी क्रिकेट एडवाइज़र और ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।